गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, ठीक है। तो 6 दिन में उसी विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो जो दूरी है कितनी है जी, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है, और प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जा रही है, क्लियर है। तो 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय की जाएगी ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि पहले कि विद्यार्थी की घर और स्कूल के बीच की दूरी बराबर कितना है जी, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। 1 किलोमीटर और 875 मीटर क्या है कि विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी। अब देखेंगे यह दूरी पहले क्या करेंगे, जो किलोमीटर है ठीक है, इसको पहले हम चेंज कर लेंगे मीटर, ठीक है। यानी लिख देंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है जी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब जो किलोमीटर है इसको हम लोग बदल लेंगे ठीक है मीटर में। क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर। अब यहाँ गुना करेंगे एक में किससे जी, 1000 से, यह हो जाएगा मीटर में प्लस 875 मीटर। ये कितना हो जाएगा दोनों में करके जी, हो जाएगा 1000 + 1000 + 875 = 1875, कह जाएगा ये हो जाएगा मीटर, ठीक है मीटर। तो ये क्या, ये प्रत्येक दिन की दूरी कितना है जी, 1875 मीटर। अब निकालेंगे और देखेंगे कि यह दूरी प्रत्येक दिन 2 बार, और लिखेंगे कि यह दूरी प्रत्येक दिन 2 बार तय की जाती है, 2 बार तय की जाती है, ठीक है। तो एक बार में कितना है जी, 875 मीटर है। चलिए देंगे कि एक बार में तय की गई दूरी, एक बार में तय की गई दूरी बराबर कितना आई, 1875 मीटर है। तो यहाँ लिखा गया 2 बार प्रत्येक दिन, यहाँ लिखेंगे कि 2 बार में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 200 गुना कर देंगे, 2 × 1875 बराबर हो जाएगा 2×6 = 10, 1×8 = 14, 2×16 = 17, और 2×2 = 3, 3750 मीटर। यानी 3750 मीटर जो है यह विद्यार्थी प्रतिदिन ठीक है दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब पूछा गया आपको 6 दिन, तो ये क्या है, ये 1 दिन का दूरी है, कितना जी, 3750 मीटर, यानी 3750 मीटर।
एक दिन का दूरी है और यह पूछा गया है कि 6 दिन, ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि एक दिन में तय की गई कुल दूरी क्या है, एक दिन का है कुल दूरी बराबर कितना लिखेंगे 3750 मीटर, ठीक है। तो एक दिन कितनी दूरी है 3750 मीटर, अब क्या कितना दिन है जी, तो 6 दिन, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 6 दिन, लिखेंगे 6 दिन, 6 दिन में तय की गई कुल दूरी बराबर, अब जब एक दिन का इतना है तो निकालना कितना लेंगे 6 दिन का, क्या इसे गुना कर देंगे तो लिखेंगे 6 × 3750 मीटर, ठीक है। और इसे गुना करेंगे कितना आएगा, गुना करेंगे तो 6 × 0 = 0, 6 × 5 = 30 के 0 आती 3, 6 × 7 = 42, 3 × 45 = 5 = 4, 6 × 3 = 4, 22, इतना 22,500 क्या है मतलब मीटर है, मीटर, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए इसको किलोमीटर में तो क्या करेंगे, जिसमें इसमें एक ऐसे भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसमें निकाल देते हैं, यहाँ लिख देंगे 22,500 बट्टा 1,000, कट जाएगा 2 × 2 = 0 कटेगा, यहाँ बच गया क्या जी, यहाँ बच गया आपको 225/10, अब यहाँ पहुँच जाएगा एक अनुपात आएगा 22.5 जाएगा किलोमीटर, कितना जी 22.5 किलोमीटर हो जाएगा आपका। यदि आपसे पूछ रहा है मीटर में तो क्या आंसर होगा आपका 22,500 मीटर, यदि आपसे पूछ रहा है इसको किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा 22.5 किलोमीटर यानी 22.5 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों का आंसर सत्य है, यदि आपका सही है, ठीक है, और यदि आपका सही जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया हो बुक में उसका जो सही होगा, यदि आपको दिया मीटर में ये सही होगा, यदि आपको दिया किलोमीटर में तो ये सही होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, तो इसे आप नोट कीजिए, ठीक है, और समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए बने समझा रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।